मंच पे उपस्थित हम सभी के अत्यंत श्रद्धा के केंद्र यहाँ के लोकप्रिय एमपी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हमारी वरिष्ठ साथी आदरणीय सुरेंद्र जी, आदरणीय सतीश उपाध्याय जी, गुप्ता जी, आदरणीय शोभा भाभी जी तथा जिनकी अत्यधिक प्रेम के कारण मैं यहाँ आप लोगों के बीच में पहुंचने का मेरे सौभाग्य हुआ, मेरे बहुत पुराने मित्र भाई गोपाल जी और आप सभी महानुभव भाई और बहनों, युवा साथी, पत्रकार साथीगण, हम सभी की जिंदगी में हम सभी सौभाग्यशाली है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा होगा, अभी अभी सतीश जी उल्लेख कर रहे थे, सदियों तक ये सभ्यता ने संघर्ष किया है, क्या क्या सहना नहीं पड़ा है पिछले दिनों में, क्या क्या हमारी सामने नहीं हुई, हमारे पूर्वजों के सामने नहीं हुई। राम की जन्म वही हुआ था, किसने देखा, इससे कटु वाक्य और क्या हो सकता है। राम थे ही या नहीं थे, राम की चरित्र कैसा है। लेकिन मित्रों, जो पेड़ जड़ से जुड़ा रहता है, जड़ जिसकी जितनी गहरी होती है, कितना भी आंधी तूफान आए वो डगमगाता नहीं है, वही खड़ा रहता है। और न केवल खड़ा रहता है, दूसरों को छाया भी देता है, आसरा भी देता है। ऐसे हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी है, सारे चीजों को झेलते हुए ये सभ्यता ने उनको उनके आश्रित रहा। शायद दुनिया में कोई सनातनी नहीं होगा, आज तो सत्य की दूसरा नाम डिक्शनरी में राम ही है, सहनशीलता का दूसरा नाम राम ही है, त्याग की दूसरा नाम राम ही है, मर्यादा का दूसरा नाम राम ही है। ये सभ्यता तो राम ही राम है, इसको वर्णन करना हम कोई भी, हम जिसको कहते हैं अनपढ़, जिसको कहते हैं मूर्ख, जिसको कहते हैं महापंडित विद्वान, सभी लोग अगर एक ही बात पे सहमत है और समझते हैं तो सहज राम है। कोई मरा मरा कहता है तब भी वो राम हो जाता है, इतनी ताकत है इस राम में। और हम इसीलिए मैंने कहा हम सौभाग्यशाली है। देखो मित्रों, आज हम सचमें सौभाग्यशाली, कई करोड़ों लोगों ने बलिदान देने के कारण, पीड़ा उठाने के कारण, त्याग करने के कारण आज मंदिर बन पाई है। और ये सब राम की लीला है, ये प्रभु की लीला है। आज हमें उन्होंने, प्रभु ने कभी सोचा होगा 21वीं सदी में तीसरी दशक में मेरा भव्य मंदिर निर्माण होगा और उस समय की मनुष्य समाज मेरे आश्रित होगा, मेरे करुणा उनको प्राप्त होगी। हम वो समूह है, हम वो लोग हैं जो हमें महाप्रभु की, भगवान रामचंद्र जी की भव्य मंदिर का चक्षुषा दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। सबने कहा 22 को वहां नहीं जाना, वहां कोई जाना इसलिए नहीं है क्योंकि वहां तो करोड़ों लोग जाना चाहते होंगे। शहर तो अभी बनना शुरू हुआ है, विध्वस्त तो हो गया होगा शहर में। देखिए लीला कैसे है, आज 1 तारीख है, अंग्रेजी नववर्ष का पहला दिन है। 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री वाल्मीकि एयरपोर्ट का लोकार्पण किया है, अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया है। 15,000 करोड़ रुपया की व्यवस्था में अनेक प्रकल्प के काम भी शुरू हुए, अनेक होटल्स नए बन रहे हैं, धर्मशाला बन रहे हैं, सरायखाना बन रहा है, भोजनालय बन रहा है। और लोगों के मन में, मैं अभी जो सुन रहा हूं, समाज में घूम रहा हूं, लोगों ने तो आने वाले 10-15 साल तक
वहां क्या क्या होना चाहिए वो सारे योजना बना रहे हैं, और आप भी यहां बना रहे होंगे। इसकी कड़ी में आज ये झंडारोहण है, ये ध्वजारोहण है, ये दैवी योजना में मानता है। हम जब सब इकट्ठा हुए हैं, हम सब सौभाग्यशाली एरे में देवी राम की लीला है ये। मित्रों मैं एक दो अनुरोध करना चाहूंगा, जब इसकी शिलान्यास कोरोना के काल में हो रहा है, कभी कभी हमारे देश में प्रकल्प होता है और मंदिर वगैरह होता है, होते रहता है, लेकिन ये मंदिर 2-2.5 साल पहले शुरू हुई, 2020 अगस्त में शुरू हुई, आज 2024 जनवरी तक, अरे 2.5 साल में ये भव्य मंदिर बनके लोकार्पित हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा महाप्रभु की हो जाएगी, प्रतिमा का चयन भी हो गया है। आज ये देश की नई परिचय बन चुकी है। लेकिन राम क्या एक मूर्ति है? राम एक संकेत है, राम एक मंदिर है, राम एक वास्तु है, मंदिर एक इमारत है। मित्रों ना मंदिर इमारत है, ना प्रभु प्रतीक है। प्रभु तो व्यक्ति के अंदर रहता है। हम सुबह उठते ही राम राम कहते हैं व्यक्ति को, सोते ही हम कहते हैं प्रभु राम रक्षा करो। आज समाज को राममय होना पड़ेगा, अपने कर्तव्य को पूरा करना, यानी राम की प्रतिष्ठा करना, राम की पूजा करना। इसलिए जो छोटे छोटे कामों की गोपाल जी ने उल्लेख किया, हम MCD पे आश्रित नहीं है। राम के वहां ताला नहीं लगती थी अयोध्या में। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।